हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या इसको बोलते हैं लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल थ्योरी या एडजस्ट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसको बोलते हैं। इसमें जो मूल जो बॉन्डिंग होती है ऑक्टेटल में, उसके लिए ये एनएस एनपीओ N1N-1d ऑर्बिटल जो होते हैं, ये इनका मेन रोल होता है। मतलब बॉन्डिंग इन्हीं के थ्रू होती है, जितने भी ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग होती है। एन एस मतलब मान लो इसको 3D मानोगे, ये 3D है तो ये 4p और ये 4s, तो इनके जो तीन ऑर्बिटल होते हैं ये मतलब बॉन्डिंग में यूज होते हैं। और जो ऑक्टेटल की जो करेक्टर टेबल होती है ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये करेक्टर टेबल होती है, उसी के अकॉर्डिंग जो हम इनको सिंबल देते हैं, एस ऑर्बिटल को, पी ऑर्बिटल को, डी ऑर्बिटल को, जो हम यूज करते हैं पहले भी मूलकन सिंबल में भी यूज करते आए हैं, वो मिलने हम और ग्रुप थ्योरी से निकल के आते हैं वो सिंबल। तो ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एस ऑर्बिटल है उसका जो सिंबल निकल के आता है ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स के लिए, वो निकल के आता है A1G, और पी के लिए निकल के आता है T1U, और डी के लिए डी जो और टू पार्ट में टूट जाता है उसका होता है T2G और EG। और ये मतलब ये चार मतलब ये वाले ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग में यूज होते हैं। बॉन्डिंग में ये यूज होते हैं जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड मतलब एक टाइप से सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड जो बनता है मेटल और लिगेंड के बीच में, उसके लिए A1G, T1G, T1U और EG ये वाले ऑर्बिटल यूज होते हैं। देखो A1G में तो एक ऑर्बिटल होगा, एसओ का एक ही ऑर्बिटल होगा, T1U में तीन होंगे है ना, क्योंकि पी ऑर्बिटल तीन होते हैं, और T2G में कितने होते हैं, दो होते हैं, तो मतलब 3 1 + 3 + 2 = 6। और एक ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स में ML6 ही होता है, मतलब 6 बॉन्ड ही होते हैं सिग्मा बॉन्ड, तो ये बॉन्ड यूज होता है। जो पाई बॉन्ड के लिए यूज होता है वो होता है T2G, जो डी ऑर्बिटल का T2G होता है वो पाई बॉन्डिंग के लिए यूज होता है। ये क्यों यूज होते हैं, क्योंकि जो ये मान लो पी, ये तो एस ऑर्बिटल तो पूरा मतलब स्फेरिकल शेप होती है, स्फेरिकल शेप होती है एस ऑर्बिटल की, तो वो तो सिग्मा बॉन्ड बना ही लेता है। तो PX PY है उनमें भी जो मतलब उसमें जो ओवरलैपिंग हो जाती है वो सीधी हो जाती है, जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड के लिए वो पॉसिबल हो जाती है। और ईजी वाले भी होते हैं, वो ईजी वाले भी क्या मतलब एक्सिस पे होते हैं ना, ईजी ऑर्बिटल DX-2Y और DZ2, वो एक्सिस पे होते हैं। और जो लिगेंड अप्रोच करते हैं मेटल को वो भी एक्सिस से ही करते हैं, तो इनके भी बॉन्डिंग हो जाती है जो मतलब क्योंकि ये एक्सिस पे होते हैं ईजी वाले। लेकिन T2G वाले क्या होते हैं, वो एक्सिस के बीच में होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं, तो इनके मेटल और लिगेंड जो है वो एक्सिस से आके अटैक करता है, तो इनके साथ इसके डायरेक्ट जो हेड टू हेड ओवरलैप होती है ना वो नहीं पॉसिबल हो पाती T2G के लिए। तो सिग्मा बॉन्ड के लिए तो ये यूज होते हैं और T2G के लिए ये यूज होते हैं। अब देखो ये तो हम देख लें मेटल के ना, मेटल के देखे हमने, अब हमने देखने हैं लिगेंड के। तो क्या होगा, जो अभी मान लो इस, ये तो मेटल के ऑर्बिटल है, मेटल के ऑर्बिटल के साथ लिगेंड के ऑर्बिटल ने आके बॉन्डिंग करनी है। और बॉन्डिंग होने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक तो उसकी सिमेट्री मैच होनी चाहिए ना, जो मान लो A1G के साथ A1G वाले आके अटैक करेगा है ना, और T1U के साथ T1U वाले आके अटैक करेगा ना, तो एक तो इनकी सिमेट्री मैच होनी चाहिए, सिमेट्री मैच होनी चाहिए, और एक उनकी एनर्जी मैच होनी चाहिए, एनर्जी लगभग सिम इक्वल होनी चाहिए। तो सिमेट्री मैच के मैच कैसे होगी उसके लिए देखते हैं हम लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल थ्योरी। तो क्या होगा, जो जो मतलब लिगेंड के एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, लिगेंड के एटॉमिक ऑर्बिटल जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल है लिगेंड के, वो सारे मिक्स होके मतलब एक टाइप से हाइब्रिडाइजेशन करके या मिक्स होके नए ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं, नए ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं जिनकी सिमेट्री इनके जो मेटल के ऑर्बिटल देखे हमने उनके साथ मैच होगी है ना, उनको बोल देंगे हम LGO। LGO देखो कोई भी ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स होता है कैसे होता है, ये जैसे ML है, ML और एक ऊपर एक नीचे। देखो ये तो है X-axis, ये X-axis है, ये Y-axis है, और ये हमने Z-axis मानना है। तो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होंगे, इस जो मतलब ये वाला लिगेंड है एक इसके इधर होगा ना, एक एक्सिस ऑर्बिटल इधर होगा, एक इधर होगा। हम इस फॉर्म में दिखा देते हैं इनको, मतलब ऐसे तो इस फॉर्म में शो करते हैं, वैसे अगर पूरे पूरा ऐसे शो करें तो वो तो लो भी हो जाएगी, तो उससे अलग दिखाने के लिए हम ऐसे शो कर देते हैं उनको, मतलब पूरा पूरा दिखाते हैं, मतलब ऐसे दिखा देते हैं। तो ये क्या है, मतलब लिगेंड के एटॉमिक ऑर्बिटल है जो हमने ये ऐसे शो किए है ना, ये लिगेंड के एटॉमिक ऑर्बिटल है। हाँ तो ये लिगेंड का एटॉमिक ऑर्बिटल, ये तो मान लो इधर प्लस एक्स है, इधर प्लस एक्स है और इधर माइनस एक्स होगा,
और इधर प्लस एक्स है तो इधर माइनस एक्स होगा, और इधर प्लस एक्स है तो इधर माइनस एक्स होगा। तो इसका क्या क्या है, ऐसे सिग्मा प्लस एक्स है ना, ये है सिग्मा माइनस वाई है ना, और ये है सिग्मा प्लस वाई और सिग्मा माइनस वाई, वो सिग्मा मान लो ये है माइनस जेड और ये है सिग्मा प्लस जेड। तो इस टाइप से मेटल और लिगेंड के ये एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये वाले हैं जो सिग्मा एक्स लिखे हैं, ये वाले हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल रीअरेंज होके ऐसा मतलब ऐसे ऑर्बिटल बनाएंगे, जैसे छह एटॉमिक ऑर्बिटल है तो छह ये नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे जिनकी सिमेट्री जो है वो हमने जो मेटल के देखे थे A1G T1U उनके साथ मैच होगी, है ना। तो वो कैसे बनेगी अब हम देखेंगे, ये तो हमने देख लिए एटॉमिक ऑर्बिटल देख लिए। तो फिर क्या करेंगे, ये मिक्स होके उनके सिमेट्री के साथ मैच होके वो बनाएंगे, मतलब उनके जैसे बनाएंगे। जो A1U है, A1G देखा हमने, वो किसके लिए, एस ऑर्बिटल के लिए। एस ऑर्बिटल में क्या होता है, चारों तरफ पॉजिटिव साइन होता है, चारों तरफ पॉजिटिव साइन होता है, मतलब जो सबके बीच में बॉन्डिंग होती है। पॉजिटिव साइन का मतलब सबके बीच में बॉन्डिंग होती है ना। अगर मान लो इधर पॉजिटिव होता और आधे में नेगेटिव होता तो ये होता कि आधो की तो बॉन्डिंग है और आधे उनके साथ एंटी बॉन्डिंग में है। और जो देखो ये पॉजिटिव साइन है, ये मतलब एस ऑर्बिटल पूरा स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है तो वो क्या माइनस एक्स में भी जाएगा, माइनस एक्स कोऑर्डिनेट की साइड भी होगा, प्लस एक्स की साइड भी होगा, वाई की साइड भी होगा, और माइनस वाई और जेड, मतलब ऐसे स्फेरिकल में तो सारे एक्सिस होंगे ना। तो फिर जो ये बनेगा ये इस टाइप से बनेगा, मतलब इसमें इसमें देखो इसमें क्या, जो सारे ऑर्बिटल हैं सब सब में पॉजिटिव साइन है और ये चारों मतलब सभी डायरेक्शन में, स्फेरिकल तो सब डायरेक्शन में है, तो इसमें क्या होगा, जो सारे मतलब हर साइड पॉजिटिव साइन ही होगा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा इसका उनका सबका लोब जो है, सबका लोब का साइन सबका सेम होगा, क्योंकि इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें सब में पूरा मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब सबके बीच में बॉन्डिंग होगी, एंटी बॉन्डिंग नहीं होगा कोई सा भी। फिर ये होता है, ये तो हम लिखते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। अब जब हम इसको लिखेंगे फिर इसका वो, तो जो सिग्मा लिखा था हमने, सिग्मा था वो सिग्मा एटॉमिक वेव फंक्शन था, वो एटॉमिक वेव फंक्शन था, एटॉमिक वेव फंक्शन। और ये जो हम लिखेंगे वो जो लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल बना है उसका एटॉमिक जो उसका भी फंक्शन होगा वो किस फॉर्म में लिखेंगे, देखो ये सारे पॉजिटिव की साइन में तो सबको हम पॉजिटिव लिख देंगे। देखो सिग्मा एक्स जो है, सिग्मा ये जो सिग्मा एक्स था प्लस वाला ये पॉजिटिव में है और इधर माइनस है तो ये भी माइनस वाला भी पॉजिटिव साइन में है ना, सिग्मा एक्स। देखो नहीं तो सिग्मा प्लस या इधर हमने क्या माना था, माइनस इधर प्लस एक्स माना था ना, और इसको बोला था सिग्मा प्लस एक्स है, और जो ये वाला था इधर माना था माइनस एक्स, और इसके वेव फंक्शन को बोला था सिग्मा माइनस एक्स। अब क्या ये क्या शो कर रहा है कि जो प्लस एक्स है ना, प्लस एक्स वाला और माइनस एक्स वाला वो बॉन्डिंग में है, बॉन्डिंग में है, मतलब उनका साइन सेम है, साइन सेम है तो उन दोनों को ऐड करेंगे हम ना। अगर एंटी बॉन्डिंग में होता, इसका पॉजिटिव साइन होता और इसका नेगेटिव साइन होता, जो नया लिगेंड ऑर्बिटल बना है तो उसमें हम सिग्मा प्लस एक्स और माइनस सिग्मा माइनस एक्स करते थे ना, और ऐसे हम क्या कर देंगे, सिग्मा प्लस वाई और प्लस सिग्मा माइनस वाई, और ऐसे ही सिग्मा जेड प्लस सिग्मा माइनस जेड। तो इस फॉर्म में ये वेव फंक्शन आ गया इसका, जो जो मतलब लिगेंड ऑर्बिटल था उसका वेव फंक्शन आ गया। अब आपने पढ़ा होगा अगर उसका मतलब क्वांटम में पढ़ा होगा, कोई भी वेव फंक्शन होता है उसको हम नॉर्मलाइज फॉर्म में लिखते हैं। नॉर्मलाइज मतलब जैसे जैसे ये आपने पढ़ा ही होगा, ऐसे ये होता है कोई सी वेव फंक्शन है और उसका वेव स्टार है, मतलब उसका वेव स्टार और उसका, और मान लो dx करते हैं तो ये वन होना चाहिए ना, नॉर्मलाइज फंक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये इसके आगे इसके लिए हमने नॉर्मलाइज फैक्टर लिखते हैं, इसके मतलब ये जो पूरा वेव फंक्शन लिखा है ये नॉर्मलाइज नहीं है, और नॉर्मलाइज करने के लिए हम इसके आगे नॉर्मलाइज फैक्टर लिखते हैं। नॉर्मलाइज फैक्टर कैसे लिखते हैं, वो नॉर्मलाइज फैक्टर का फार्मूला होता है एन नॉर्मलाइज फैक्टर डिवाइड बाय रूट का रूट होगा और इन जो इनका कोफिशेंट है ना उसका स्क्वेयर हो जाएगा। जैसे सिग्मा एक्स के आगे क्या वन ही है ना, इनमें सबके आगे वन है, सबके आगे तो क्या हो जाएगा, वन का स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर प्लस वन का स्क्वेयर, ऐसे कर करके छह है तो छह ऐसे वन का स्क्वेयर लिख देंगे हम, वन स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर।
वन स्केल, तो ये लिख देगा नॉर्मलाइज फैक्टर क्या हो जाएगा, वन बाय रूट सिक्स हो जाएगा, है ना, वन बाय रूट सिक्स इस फॉर्म में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वन बाय रूट सिक्स, इसके नीचे लिख देंगे हम, तो इसका जो वेव फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वन बाय रूट सिक्स सिग्मा एक्स सिग्मा माइनस एक्स और सिग्मा वाई इस फॉर्म में हो जाएगा, किसका लिखा हमने, ए वन जी का लिखा, तो ए वन जी का लिगेंड लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल लिखा हमने, और ऐसे हम लिखेंगे टी वन यू का लिखेंगे, क्योंकि टी वन यू भी जो है बॉन्डिंग में यूज हो रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग में यूज हो रहा है। टी वन यू किसकी तरह होता है, पी ऑर्बिटल की तरह होता है, पी ऑर्बिटल में जैसे एक तो पी एक्स होता है, पी एक्स होगा, पी वाई होगा और पी जेड होगा, है ना, तो पी एक्स होगा उसमें क्या होगा, जो एक्स का साइन है उसमें इस टाइप से लोब होती है ना, पी एक्स में इस टाइप से लोब होती है, तो हमने जो टी वन यू आया था हमारे मेटल के ऑर्बिटल में जो टी वन यू आया था उसके साथ हमने इनकी सिमेट्री मैच करनी है, और टी वन यू किसके लिए था, पी ऑर्बिटल के लिए था, तो हम जो टी वन यू के पहले तो पी एक्स पी वाई जेड लिखेंगे, फिर इनके साथ मैच करता हुआ हम लिगेंड ऑर्बिटल लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल बनाएंगे। पी एक्स का कैसे होता है, एक साइड पॉजिटिव होता है और एक साइड नेगेटिव होता है, और इसमें कौन सा एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसका लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल कैसे बनेगा, तो इसका बनेगा ऐसे, मतलब ये तो हमने इसके मतलब लोब से अलग दिखाने के लिए इस फॉर्म में लिख देते हैं इनको, तो इसमें क्या होगा, जो पॉजिटिव साइन है ये तो इधर, तो क्या सिग्मा एक्स है, इधर है सिग्मा एक्स और इधर है सिग्मा माइनस एक्स, तो सिग्मा प्लस सिग्मा एक्स में प्लस लिख दिया और इधर माइनस लिख दिया, और इसका वेव फंक्शन कैसे लिखेंगे हम, टोटल वेव फंक्शन सिग्मा इज इक्वल टू, तो सिग्मा एक्स है तो सिग्मा एक्स तो पॉजिटिव में है और ये वाला जो है माइनस में है, तो इनके बीच में माइनस का साइन आ जाएगा सिग्मा, और ये कौन सा है सिग्मा माइनस एक्स, ये आएगा, फिर इसका नॉर्मलाइजेशन फंक्शन कैसे होगा, देखो इसका कॉन्स्टेंट तो वन है, इसका कॉन्स्टेंट वन है, इसका क्या माइनस वन है, तो इसका क्या होता है वन बाई वन स्केयर प्लस में माइनस का वन स्केयर, माइनस का वन भी क्या हो जाएगा प्लस का वन ही हो जाएगा स्केयर होने के बाद, तो ये इसका हो जाएगा वन बाई रूट टू हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा वन बाई रूट टू, ये हो जाएगा इसका टोटल वेव फंक्शन फॉर जो टी वन यू, है ना, और फिर अगला पी वाई पी यू के देख पी वाई के लिए देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इधर एक्स है तो ये वाई ऑर्बिटल है, तो ये पॉजिटिव इधर पॉजिटिव लोब होगी और इधर नेगेटिव लोब होगी, और तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, तो इधर भी क्या होगा, ये इधर तो मान लो पॉजिटिव लाइव ये है सिग्मा प्लस वाई और इधर है सिग्मा माइनस वाई, सिग्मा प्लस वाई में पॉजिटिव साइन है और सिग्मा माइनस वाई में नेगेटिव साइन है, तो इसका ऑर्बिटल कैसे हो जाएगा, वन बाई रूट टू तो आएगा ही, और इसमें सिग्मा वाई माइनस सिग्मा माइनस वाई ऐसे हो जाएगा, और ऐसे ही पी जेड का देखेंगे हम, पी जेड में क्या होगा, जो जेड ऑर्बिटल होता है उसमें मतलब ये होता है जेड जेड एक्सिस पे होता है पी जेड और इधर, तो इसको किस फॉर्म में लिख देंगे, ऐसे लिखा जाएगा ये, तो सिग्मा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सिग्मा प्लस जेड है और सिग्मा माइनस जेड है, तो इसका टोटल वेव फंक्शन कैसे हो जाएगा, वन बाय रूट टू सिग्मा सिग्मा जेड और सिग्मा माइनस जेड, तो इस फॉर्म में जो है वेव फंक्शन हो जाएंगे टी वन यू के। अब हम देखेंगे डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल ये कौन से देखेंगे, ई जी वाले, क्योंकि ई जी वाले जो है वो सिग्मा बॉन्ड में यूज हो रहे हैं, तो ई जी में कौन कौन सा होता है, एक तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, और एक कौन सा होता है जो डी जेड स्क्वायर होता है, जो डी जेड स्क्वायर होता है ना वो एक्चुअली दो ऑर्बिटल से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन हम उसको लिख देते हैं एक ही फॉर्म में, जो डी जेड स्क्वायर होता है वो डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दो ऑर्बिटल से मिलकर बना हुआ होता है, जो इसको लिख देते हैं अगर टोटल लिखे तो डी टू जेड स्क्वायर, क्योंकि दोनों जेड तो पॉजिटिव में है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इस फॉर्म में लिख देते हैं, और इसको वो सिंपली हम लिखते हैं डी जेड स्क्वायर लिखते हैं, और इसको इस डी एक्स जेड स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं, ये ऐसे होता है ना, जो जेड ऑर्बिटल होता है उस पर तो पॉजिटिव लोब होती हैं, और जो एक्स वाई प्लेन में है कि एक्स वाई प्लेन में नेगेटिव साइन होता है, तो एक्स वाई प्लेन में नेगेटिव साइन होता है, तो मतलब एक्स भी नेगेटिव का होता है और जेड वाई भी नेगेटिव का होता है, लेकिन जेड में कौन सा साइन होता है, जेड में होता है पॉजिटिव साइन होता है,
तो इसकी अगर लोब लिखेंगे हम, तो इस जो इसका लिए हम जो सिग्मा ऑर्बिटल बनाएंगे, जो मतलब लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल बनाएंगे, उसमें क्या होना चाहिए, जो डीजेड स्क्वायर है ना उसमें तो पॉजिटिव साइन होना चाहिए, मतलब उन दोनों के बीच में तो बॉन्डिंग होनी चाहिए। उसको हम बना के दिखाएंगे ऐसे, जो मतलब देखा था ना हमने, तो मतलब इसका कोई इसको हम बना के दिखाएंगे। अगर मतलब अगर बना के देखना भी चाहो तो ऐसे होगा, तो मतलब जो जेड स्क्वायर वाले हैं इन पे तो पॉजिटिव साइन है, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव है, और जो एक्स वाई और में है उन पे सब पे नेगेटिव साइन होगा, क्योंकि जो एक्स वाई प्लेन में पूरे में नेगेटिव साइन है, तो इनमें नेगेटिव साइन होगा। तो मतलब क्या है, जो जो एक्स वाले हैं, जो जेड स्क्वायर वाले हैं, उनके बीच में तो बॉन्डिंग हो रही है, लेकिन वो जो सबके साथ है वो एंटी बॉन्डिंग में है। तो ये वाला इसका लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल हो जाएगा। और इसका जो टोटल वेव फंक्शन लिखेंगे हम, वो किस फॉर्म में लिखेंगे, देखो जो जेड के आगे दो है ना, तो हम इसको दो ही लिखेंगे, इसके आगे भी दो, टू सिग्मा जेड, टू सिग्मा जेड लिखेंगे। और ऐसे ही जो सिग्मा, ये तो सिग्मा, ये प्लस जेड है और ये माइनस जेड है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या बॉन्डिंग हो रही है, दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन है, तो इसलिए हमने पॉजिटिव लिखा है, टू सिग्मा माइनस जेड है। और जो और सारे हैं उनके लिए नेगेटिव साइन है, मतलब एक्स वाई प्लेन में नेगेटिव साइन है, और उनके आगे एक्स और वाई के आगे कोई मतलब ये भी नहीं है कि भाई टू, या इसके तो आगे टू लिखा हुआ है, इनके आगे वन ही है ना। तो ये कैसे लिखे जाएगा, सिग्मा प्लस एक्स, नहीं इधर तो नहीं, माइनस साइन आएगा, सिग्मा प्लस एक्स, सिग्मा माइनस एक्स, और सिग्मा प्लस वाई माइनस सिग्मा माइनस वाई। तो ये इस टाइप का इसका वेव फंक्शन बन जाएगा। अब इसका नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट कैसे निकालेंगे, 1/2 का स्क्वायर रूट करेंगे पहले, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाए 4, और इसका भी 2 का स्क्वायर 4, और इधर इनका सबका उनका 1, इधर का इनका सबका लगा के 4 हो जाएगा, तो 1/√12 आ जाएगा ना। 1/√12 को क्या और क्या से फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, मतलब √3/2 ना, मतलब इसको लिख सकते हैं ना, 4 3 12 होता है, 4 × 3, और 4 क्या हो क्या लिख सकते हैं, √2, मतलब 2 भी लिख सकते हैं ना, √4 को 2 भी लिख सकते हैं खाली, तो ये हो जाएगा 1/√3, 1/√3। तो ये क्या किसके लिए, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल हो गया, ये हो गया डी जेड स्क्वायर के लिए। ये बात आपने ध्यान रखनी है, जो डी जेड स्क्वायर में डी जेड स्क्वायर होता है वो दो ऑर्बिटल से मिलके बना हुआ होता है, डी जेड स्क्वायर माइनस वाई और डी जेड एक्स माइनस स्क्वायर एक्स, और अगर इनको ड्रॉ करोगे अलग अलग तो वो ऐसे होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई होता है ना, तो उसमें क्या होता है, ये तो मान लो जेड है और ये है एक्स है, तो इस फॉर्म में होते हैं, तो मतलब जेड वाले पे पॉजिटिव साइन लगा दो और मतलब इस पे माइनस साइन लगा दो, और जेड वाले पे ने पॉजिटिव साइन लगा दो, और ये वाला देखो बेस को, अगर ये हो जाएगा ऐसे, इसको जेड एक्सिस मान लो, इसको वाई एक्सिस मान लो, तो फिर जेड वाले पे पॉजिटिव साइन होगा और वाई माइनस वाई वाले पे नेगेटिव साइन होगा। जब ये सिंपली ऐसे ड्रॉ करेंगे जैसे हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को करते हैं, तो लेकिन ये दोनों मिलके मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि देखो इसमें वाई में भी माइनस है और इधर जो बना था एक्स में भी माइनस था, तो एक्स वाई में पूरे प्लेन में माइनस हो जाता है, और जेड में दोनों में प्लस है, तो जेड पे पूरे पे प्लस ही रहता है। तो अगला है जो ये होता है, जैसे प्लस माइनस साइन होता है ना, ये सिंपली क्या होता है, जो जैसे जो इलेक्ट्रॉन जो पीरियोडली इनकी लोब दिखाते हैं ना, ये लोब या ऑर्बिटल बोल सकते हो, ऑर्बिटल क्या होता है, एक खाली वेव फंक्शन होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जो ऑर्बिटल की लोब होती है वो क्या शो करती है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वो वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है ना, वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो वेव फंक्शन में आपने देखा था क्रस्ट ट्रफ का कॉन्सेप्ट होता है ना, जो मतलब मान लो जो क्रस्ट होती है, जो अगर वो दोनों क्रस्ट हैं दोनों, तो उनको तो प्लस प्लस ले लेते हैं, जो मतलब ट्रफ है जो नीचे वाला उसको माइनस ले ले मान लेते हैं, तो मतलब इस वे में उनको उनका साइन दिया होता है ना, उस साइन का मतलब कई बार कंफ्यूज होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव मतलब चार्ज की तरह मान लेते हैं, लेकिन वो मतलब ये दिखाता है कि उससे ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है ना, जैसे क्रस्ट है या ट्रफ है उसको शो करता है ये वाला लोग।
पॉजिटिव नेगेटिव साइन होता है। और अगला है जैसे डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये भी इजी में आता था। इसमें क्या होगा, मतलब एक्स है और वाई है, एक्स और वाई इस लोग पे साइन होते हैं, और इसमें क्या होगा, एक्स वाले में पॉजिटिव साइन होता है और माइनस वाई में नेगेटिव साइन होता है। तो फिर क्या होगा, जो हमारा लिगेंड और ग्रुप ऑर्बिटल बनेगा वो किस मोड में बनेगा, ये तो देखो, ये तो किसका, मेटल का डी ऑर्बिटल देखा हमने। अब हम ये वाला क्या है, जो हमारा लिगेंड किस तरह से अरेंज होगा, वो किस तरह से अरेंज होगा, वो इस फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। जो लिगेंड के एटोमिक ऑर्बिटल है वो इस फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। तो कैसे, जो एक्स पे है इधर दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे और इधर नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका वेव फंक्शन लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे वेव फंक्शन, टोटल वेव फंक्शन क्या होगा, जो सिग्मा प्लस एक्स है, सिग्मा प्लस एक्स है, लेकिन जो ये इधर भी पॉजिटिव साइन है तो इसके बीच में पॉजिटिव साइन आएगा, और सिग्मा माइनस एक्स, मतलब सिग्मा प्लस एक्स और सिग्मा माइनस एक्स के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, और इन दोनों के साथ जो एंटी बॉन्डिंग हो रहा है, क्योंकि इस पे नेगेटिव साइन और इस पे नेगेटिव साइन, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस वाई और माइनस सिग्मा माइनस वाई, तो ये हो जाएगा। और इसका नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट क्या होगा, 1/√4 हो जाएगा ना, 1/√4 को 1/2 भी लिख सकते हैं, तो 1/2 हो जाएगा इस फॉर्म में। तो ये हमने देख लिए लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल देख लिया हमने, ये कितने देखे हमने, एक तो था A1G, और तीन थे T1U, और दो ये देखे हमने, तो टोटल 6 देख लिए। तो मतलब वो 6 लिगेंड है हमारे पास, है ना, 6 लिगेंड है और 6 हमने ये जो लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल थे वो देख लिए। तो मतलब क्या हुआ, जो 6 मतलब लिगेंड थे उनके एटॉमिक ऑर्बिटल थे, उन्होंने मतलब मिक्स होके 6 ही लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल बना लिए, और उनकी क्या किया, उनमें जो सिमेट्री थी इस तरह से बना ली कि वो मेटल के डी ऑर्बिटल के साथ अरेंज हो जाए या उसके साथ बॉन्डिंग कर ले। तो अब हम उसका मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम शो करके देखेंगे किस फॉर्म में होगा लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल। देखो इधर तो हम मेटल का लिख देंगे और इधर लिख देंगे लिगेंड का लिख देंगे। तो मेटल में पहले तो डी ऑर्बिटल है, और ये उसके ऊपर है डी ऑर्बिटल, और फिर एस ऑर्बिटल, ये तो है मान लो n-1d, और इधर है ये है ये ns और ये है np, और इसको n-1d में कौन कौन से हैं, t2g और प्लस eg, और इसमें कौन सा, ये a1g, और इसका है p का कौन सा लिखा था हमने, t1u, और इधर मान लो हमने लिख लिया जो हमारे लिगेंड थे उनका लिखते हैं। लिगेंड में कौन कौन सा है, A1G, T1U और EG, है ना। A1G तो सबसे कम एनर्जी तो A1G की होती है, फिर T1U, तीन T1U होते हैं, फिर दो EG होते हैं। तो अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में ऐसे बॉन्डिंग होगी। तो देखो बॉन्डिंग किस किस के बीच में होगी, जिसकी सिमेट्री मैच होगी ना, जिस जिसकी सिमेट्री मैच होगी उनके बीच में ऐसे बॉन्डिंग होगी। देखो सबसे पहले क्या होगा, A1G है, A1G की एनर्जी सबसे कम है इनमें, तो A1G जो है इसके A1G के साथ ऐसे मतलब बॉन्डिंग बना लेगा, जो जैसे भी होता है, तो ऐसे शो करते हैं ना, A1G इधर हो जाए, ये तो हो गया बॉन्डिंग वाला, A1G और इधर मतलब इसका नेगेटिव बना लेगा, तो ये तो हो गया, ये तो मान लो इसको तो लिखेंगे हम A1G, और इसको ये बॉन्डिंग वाला, और इसको लिखेंगे हम A1G*, और फिर ऐसे ही जो T1U है वो भी इसके साथ ऐसे बॉन्डिंग, इसके T1U के साथ ऐसे बॉन्ड बना लेगा। तो T1U है, जो T1U है इसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा, एक तो इसकी एनर्जी एक तो इधर आएगी, देखो इसका जो T1U था इसके T1U ने इसके साथ बॉन्डिंग बना ली, इसके T1U के साथ ऐसे बॉन्डिंग बना ली, तो इसमें भी कैसे तीन ऑर्बिटल है, इसमें वैसे तो तीन है ना, एक ये वाला ऐसे दिखा दो, इसमें तीन ऑर्बिटल, लेकिन इसमें कितने, A1G में तो एक ही ऑर्बिटल था, तो इसको तो लिख दिया हमने T1U, और इस वाले को लिख दिया हमने T1U*, इसको T1U* लिख दिया। अब जो EG है, EG इसके साथ ऐसे बॉन्डिंग बना लेगा, तो
T1 स्टार देखते हैं, ये मतलब एंटी बॉन्डिंग वाला है ऐसे ही, इसके मतलब ये तो ऐसे हो जाएगा, तो मतलब ये तो इजी हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा और ये इजी स्टार हो जाएगा। तो मतलब क्या, जो सारे इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे लिगेंड के, लिगेंड के ये कौन से थे, LGO थे ना, लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल थे ना, ये LGO थे और ये मेटल के डी ऑर्बिटल थे, ये तो इन्होंने इनके साथ ऐसे बॉन्डिंग बना ली। कोई भी बॉन्डिंग हो रही है तो से A1G है, A1G में एक बॉन्डिंग बढ़ेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बढ़ेगा। ये जो जो एनर्जी लेवल का एनर्जी ऑर्डर है वो आपने इनका याद ही करना है, ये ध्यान रखना। थोड़ा ये नीचे बनेगा इस वाले से, इस वाले से मतलब जो नीचे बनेगा, हाँ मतलब ईजी जो है इस लेवल से नीचे बनेगा ना। तो देखो ईजी ये हो गया, ईजी ये ईजी हो गया और इसका ईजी स्टार हो गया। और जो ये T2G है, इसे T2G के साथ बॉन्डिंग होने वाला कोई ऑर्बिटल बचा नहीं है ना, ये सिंपली हम पढ़ रहे हैं सिग्मा डोनर के लिए, ये जो है सिग्मा डोनर के लिए। सिग्मा डोनर मतलब जिनमें केवल सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जिन कंपाउंड में केवल सिग्मा बॉन्ड बनेगा उनके लिए हम पढ़ रहे हैं। और सिग्मा इसमें हमने देखा था जो T2G है वो सिग्मा बॉन्ड के लिए तो यूज होता नहीं, जो जो T2G है वो नॉन मतलब नॉन बॉन्डिंग रह जाएगा, मतलब ना तो बॉन्डिंग में जाएगा ना एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, तो ये हो जाएगा T2G। तो मतलब इस टाइप से इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम बन जाएगा, ये मतलब A1G फिर T1U फिर EG फिर T2G फिर EG स्टार और ऐसे। फिर अगर मान लो किसी भी कंपाउंड है मतलब उसमें हमने ऐसे इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो जैसे FeN, जैसे Fe2+6 है, Fe2+6 प्लस इस पे है मान लो प्लस टू चार्ज है ना, तो इसमें Fe2+ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, D6 हो गए ना, तो D6 को भरेंगे हम किस फॉर्म में बचेंगे, बरतेंगे दो तो इसमें आएंगे और तीन ऑर्बिटल ही हैं इसमें, तीन ऑर्बिटल हैं तो ये दो इसमें आ गए और चार ऊपर वाले में आ गए, तो ऐसे हम भरेंगे इनको ऑर्बिटल को। नहीं इसमें तो हम जो भरेंगे ना कैसे भरेंगे, देखो तो D6 तो इसके हैं, D6 इसके और छह जो है वो वाटर से आएंगे, तो क्योंकि इसमें लिगेंड भी ले लिया ना हमने, तो छह वाटर से आएंगे, छह मतलब छह पेयर आएंगे है ना, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये कितने हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन वाटर से आएंगे और छह जो है वो इसके साथ पास है आयरन के पास है, तो इनको 12+6 कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम इनमें, तो 18 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, मतलब ऑर्डर वाइज भरते चल जाएंगे, दो इसमें आ गए तो छह इसमें आ गए और इसमें कितने आएंगे, इजी में दो ऑर्बिटल होते हैं तो इसमें कितने आएंगे, चार आ जाएंगे टोटल, तो चार इसमें मतलब लगा लो चार इसमें आ गए, तो छह और चार कितने हो गए, छह और चार 10 और दो 12 हो गए, और मतलब कितने बच गए, छह बच गए, छह किस में आएंगे, वो T2G में आएंगे, छह आ जाएंगे T2G में, छह और T2G में आ जाएंगे। तो मतलब इस फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन के हम फीलिंग करेंगे, मतलब जो हम मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाएंगे, जो हमने जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन है वो भी हमने काउंट करके इसमें लिखने हैं और वैसे बल देने हैं। अब देखो जो हमने देखा था कि भाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट में एनर्जी कितनी होती है, तो वो देखा था हमने जो T2G और EG के बीच में डिफरेंस होता है वो होता है CFC, मतलब उसको हम डेल्टा नोट बोलते हैं ना, फिर जो उसको बोलते हैं डेल्टा नोट। तो इस जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया हमने उस केस में डेल्टा नोट कहाँ होगा, जो ये T2G कहाँ, तो मतलब T2G यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे डोनेट करेगा ना, तो जो ये वाला है मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि इनमें तो इलेक्ट्रॉन भर के जो ट्रांजिशन वगैरह हमने देखने हैं वो T2G से EG स्टार में होंगे, मतलब EG स्टार भी है तो EG का ही मतलब ऑर्बिटल है वो बेसिक से एंटी बॉन्डिंग है, तो फिर इसमें जो मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है वो T2G से EG होता है, और जो T2G से EG की एनर्जी होती है उसको ही बोलते हैं हम डेल्टा नोट है, उसको मतलब CFSE बोलते हैं, वो उसको मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं है ना। तो देखो मतलब इसलिए तो इसमें तो क्या था, तो वीक लिगेंड था, मतलब वीक लिगेंड होता है H2O, तो ये वीक लिगेंड होता है। फिर इसके हमने ये जो हमने पढ़ा है खाली सिग्मा डोनर के लिए पढ़ा है, फिर आगे हम पढ़ेंगे पाई एक्सेप्टर के लिए। पाई एक्सेप्टर के इसमें क्या हो जाएगा, जो T2G है वो काफी क्लोज आ जाएगा EG के, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, सिग्मा
नहीं टेटू जो पाई सेप्टर होते हैं, पाई सेप्टर क्या होते हैं, स्ट्रोंग लिगेंड होते हैं ना, स्ट्रोंग लिगेंड के केस में क्या होगा, जो इनके बीच में एनर्जी गैप है वो ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो मतलब ये मान लो कि आगे देखिए हम, तो इनके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा। तो अभी हमने ये देख लिया खाली जो सिग्मा डोनर है उनके लिए, सिग्मा डोनर के लिए देख लिया हमने, अगले लेक्चर में हम पाई डोनर के लिए देखेंगे।